एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर मिडनाइट विजिटर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे चैप्टर मिडनाइट विजिटर के। और अगर आपको क्लास 10 इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स को पढ़ना है या एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये कौन सा चैप्टर है? मिडनाइट विजिटर। याद है आपको, इस चैप्टर में सीक्रेट एजेंट ऑजिबल के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने अपनी चालाकी से जो है वो जो उनकी रूम में एक आदमी आ गया था जो एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था जिसका नाम क्या था, फॉक्स जैसे फीचर्स वाला, याद है ना, मैक्स, उसका पागल बना दिया था, उसका बुद्धू बना दिया था और ऑजिबल जी जीत गए थे। ठीक है, याद है आपको मिडनाइट विजिटर चैप्टर? अगर चैप्टर याद नहीं है, नहीं पढ़ा अभी तक, तो जल्दी से जाके मैंने प्लेलिस्ट पे लिंक दिया है, चैप्टर पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बिल्कुल एक छोटी सी मूवी लगेगी तुम्हारे को। और अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ क्वेश्चन आंसर, साथ साथ पूरा चैप्टर भी रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? तो ऑजिबल जी जो थे, हमारे जो सीक्रेट एजेंट थे, वो काफ़ी डिफरेंट थे बाकी सीक्रेट एजेंट से। क्यों? पहले तो देखो, वो काफ़ी ना फैट थे, मोटू से थे। ठीक है, ऊपर से जैसा सीक्रेट एजेंट, जैसा मूवीज़ में देखते हैं ना, जेम्स बॉन्ड में या मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज की, जैसे वो दिखाते हैं कि सीक्रेट एजेंट काफ़ी से स्मार्ट से होते हैं और बिल्कुल ही फिट, और साथ में वो कैसे बढ़िया बढ़िया से होटल्स में घूम रहे होते हैं, वहाँ पर अलग अलग सी डिटेक्टिव्स देखते हैं, मैन ऑल दैट, वैसा कुछ भी नहीं था। ऑजिबल जी एक सिंपल से होटल में थे और उन्हें कोई ऐसा कुछ एक्साइटिंग सा उनके साथ में नहीं होता था। तो यही सब हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो येस, ऑजिबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन मोर वेज दैन वन एंड डिड नॉट फिट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नॉर्मल एजेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नॉर्मल एजेंट में जो है ऑजिबल जी नहीं बैठते हैं। ही हैड अ स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल ऑन अ सिक्स एंड टॉप फ्लोर एंड इट वॉज स्केयर्सली द सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो बेसिकली अगर आप किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचते हो तो आपको लगेगा गन्स होंगी, सूटेड बूटेड मैन होंगे, बढ़िया सा कोई होटल होगा या कोई बढ़िया सी जगह होगी, वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल सा चल रहा होगा या कुछ रोमांटिक, मतलब यहाँ पर कुछ एडवेंचरस हो रहा होगा, गोलियाँ चल रही होंगी एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका तो एक सिंपल सा होटल था, पुराना सा फ्रेंच होटल, और वहाँ पे ऊपर जाके उनका एक रूम था और वो बहुत ही अंधेरा हो रहा था वहाँ पे, तो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ रोमांटिक एडवेंचर यानी कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, तूफानी होने वाला है। ही वॉज एक्सट्रीमली फैट एंड हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सेंट। दूसरा वो एजेंट क्यों नहीं लगते थे, वो काफ़ी मोटू से थे और उनकी एक्सेंट भी काफ़ी अलग थी। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, पैसिबली मतलब कि ठीक ठाक बोल लेते थे, ही नेवर लॉस्ट हिज अमेरिकन एक्सेंट इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पैरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स। दो वो फ्रांस में रहते थे काफ़ी सालों से, बट फिर भी जब वो फ्रेंच और जर्मन बोलते थे उसमें अमेरिकन एक्सेंट आती थी। ठीक है, क्योंकि वो पहले कभी अमेरिका रहते थे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना कि कोई मैसेज आना होता है, सीक्रेट मैसेज, तो कोई बहुत ब्यूटीफुल सी लेडी आके मैसेज ऐसे स्लिप करके चली जाती है। हमारे ऑसिबल सीक्रेट एजेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें तो एक सिंपल सी फोन कॉल आती है और वो फोन कॉल के थ्रू उनको बात पता चल जाती है। ही गॉट ओनली अ टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट। इन दिस वे ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल ऑफ अ स्पाई। तो जैसे जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना एक स्पाई का, एक सीक्रेट एजेंट का, उससे काफ़ी डिफरेंट है ऑसिबल जी। दिस इज द आंसर, यू कैन चेक इट। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ फाउलर एंड वॉट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक ट्रेल ऑफ द डे? फाउलर कौन है? फाउलर एक राइटर था जो इंस्पिरेशन लेने के लिए, एक तरक्ती भड़कती कहानी लिखने के लिए, एक इंस्पिरेशन लेने के लिए ऑसिबल जी के साथ आया था, बट आती उसके जितने भी अरमान थे उन पर पानी फिर जाता। क्यों? क्योंकि उसे तो लग रहा था वही सब हो रहा होगा, बड़ा सा होटल, सुंदर सा, और कुछ गोलियाँ वोलियाँ चल रही होंगी एंड ऑल दैट, या फिर कुछ सीक्रेट मैसेजेस डिलीवर हो रहे होंगे, बट वैसा कुछ नहीं मिल रहा था उसे यहाँ पे, तो वो शुरू में बहुत सैड था। बट आपको पता है फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, बट एकदम से उसे थ्रिल, एडवेंचरस सी चीज़ उसे पता चलती है जैसे ही वो ऑजिबल के साथ उनके कमरे में जाते हैं, ऑजिबल के साथ, तो सामने एक आदमी होता है गन पॉइंट पे उनके साथ में, सामने गंदे के खड़ा होता है। कौन था वो? वो था हमारा मैक्स। ठीक है, तो फाउलर वॉज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ऑजिबल। फाउलर्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे केम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑजिबल्स रूम पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड्स ऑजिबल एंड हिमसेल्फ। जब उसको तो थ्रिल चाहिए था तो मिल गया थ्रिल, एक आदमी बंदूक लेके सर पे खड़ा हो गया था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाउ हैज़ मैक्स गॉटन? मैक्स कमरे में कैसे आया था? कहाँ से आया था? तो मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था जो स्लेंडर यानी कि पतला था और थोड़ा फॉक्स टाइप फीचर थे उसके, यानी कि सोच लो सुनियो टाइप का दिखता था वो। और वो कहाँ से आया था? वो पास की के थ्रू, वो जो एक मास्टर की होती है ना उसके थ्रू आया था उस रूम में। आंसर देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। से ही गॉट इन, ऑजिबल क्या अंदाजा लगाते हैं कि कैसे आया होगा मैक्स? तो ऑजिबल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इन टू द रूम थ्रू द बैल्कनी। वो कहते हैं कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम मैक्स मेरे कमरे में बैल्कनी से आ गए हो, ऐसा दूसरी बार हुआ है महीने में कि कोई मेरी बैल्कनी से मेरे रूम में आ गया है।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए. ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवरेट. फाउलर ने जैसा सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है उससे ऑसिबल मैच नहीं करते थे, जैसे ऊपर मैं पूरा समझा चुकी हूँ. वॉट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक एंड फिल्म्स लुक लाइक, कैसे दिखते हैं किताबों में और पिक्चरों में सीक्रेट एजेंट्स आपके ओपिनियन में? डिस्कस इन ग्रुप और इन क्लास सम स्टोरीज और मूवीज फीचरिंग स्पाइस डिटेक्टिव एंड सीक्रेट एजेंट्स. तो भाई क्लास में डिस्कशन कर लेना, अभी हम अपनी क्लास में डिस्कशन करते हैं कुछ ऐसी मूवीज का जहाँ पे सीक्रेट एजेंट्स आते हैं, उनका कोई नाम भी मेंशन करेंगे हम, जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है यू मे कम अक्रॉस शर्लॉक होम्स, हरकुलीस और मिस मार्पल या फिर जेम्स बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल दिया है. तो सीक्रेट एजेंट्स इन फिक्शंस आर शोन एज आइडियल मैन, पहले हम बता देते हैं. ठीक है, तो सीक्रेट एजेंट्स को पिक्चरों में कैसा दिखाते हैं? आइडियल मैन, टॉल एंड हैंडसम. ठीक है, टॉल है यहाँ, टॉक आ गया है, टॉल और हैंडसम दिखाते हैं. दे आर टिपिकली वेल बिल्ड एंड हैव गॉर्जियस वुमेन अकंपनिंग देम. कैसे होते हैं? बिल्कुल वेल बिल्ड होते हैं, साथ में एक बहुत ही सुंदर सी लेडी भी होती हैं, ठीक है, जो उनकी साथ में होते हैं. ठीक है, दे यूजली स्मोक पाइप और सिगार्स एंड डू डेथ डिफाइंग डिफिकल्ट स्टंट्स. तो वो स्मोक करते हैं ना सिगार एंड ऑल दैट, और स्टंट देखे हैं तुमने कैसे करते हैं वो, कभी हेलीकॉप्टर से कूदना, कभी बुर्ज खलीफा पे चढ़ना एंड ऑल दैट. ठीक है, या फिर और अलग अलग से, अगर आपने जेम्स बॉन्ड देखी है, अलग अलग टाइप के करतब या कहो कि ऐसे अलग अलग से स्टंट्स करने पड़ते हैं हमारे सीक्रेट एजेंट्स को. तो यहाँ पे हमारे ऑसिबल जी तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं. अब इन्होंने कोई करेक्टर बताने को बोला है तो आप जेम्स बॉन्ड भी मेंशन कर सकते हो, जैसा इस आंसर में मेंशन है, जैसे हम यहाँ देख सकते हो, या फिर अगर आपको खुद से आंसर लिखना हो तो जैसे मैंने मेंशन करा है उसका भी. फॉर एग्जाम्पल टॉम क्रूज एज ईथन हंट एंड एजेंट ऑफ द इम्पॉसिबल मिशन फोर्स IMF एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म विच इज़ वेरी फेमसली नोन एज मिशन इम्पॉसिबल. ठीक है, तो आप टॉम क्रूज का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जेम्स बॉन्ड का भी लिख सकते हो, कोई और तुम्हें करना हो तो वो भी लिख सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बैल्कनी अटैच टू हिज रूम, लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, वॉट मेक इट अ कन्विंसिंग स्टोरी. तो गाइज अब देखो आप, अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, शायद कुछ बच्चों को बहुत जो समझ हो इस चीज़ की वो समझ गए हो कि जो है हमारे ऑसिबल जी ने कहानी बनाई है. कुछ नहीं भी समझे होंगे तो ये कहने, अब दोबारा चैप्टर के ऊपर जाके देखो और बताओ कि कैसे मैक्स को यकीन दिलाया ऑसिबल जी ने कि बाहर कोई बालकनी है. एक्चुअली में बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं, उन्होंने उसी समय अपना प्लान बनाया और उसको बोला कि बाहर बालकनी है, और जिससे वो नीचे गिर गया. ठीक है, तो अभी ऊपर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि चाहे ऑसिबल जी दिखते नहीं थे एजेंट्स जैसे, बट उनका दिमाग बिल्कुल ही एजेंट्स जैसा ही था. ऑसिबल क्रिएटेड अ कन्विंसिंग स्टोरी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ बैल्कनी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में. ही सेड दैट ट्वाइस इन अ मंथ समबडी हैड एंटर्ड इन हिज रूम थ्रू द बैल्कनी. सबसे पहले कहते हैं अरे फिर से कोई आ गया मेरी बैल्कनी में. ठीक है, ऑन बींग क्वेश्चन बाई मैक्स अबाउट बैल्कनी ही रिप्लाइड विद एक्सट्रीम इरीटेशन दैट इट वॉज नॉट हिज बैल्कनी. और जब मैक्स पूछता है तुम्हारी बैल्कनी है, तो काफ़ी इरीटेट होगी कि सच्ची में लगे कि हाँ वो ये बात सच होगी, इरीटेट होगी कहने कि मेरी बैल्कनी नहीं है, बराबर वाले कमरे की है. ठीक है, दिस रिएक्शन विच लुक नेचुरल प्लेड अ पार्ट इन कन्विंसिंग मैक्स. ठीक है, तो अगर वो कहते ना हाँ हाँ मेरी बैल्कनी है, तो शायद मैक्स को लगता है मेरे पागल माने, बट वो उन्होंने इतना नेचुरल रिएक्शन करा कि मैक्स उनकी बातों में फंस गया. ही फर्दर टोल्ड मैक्स एक्सप्लेनेटरी दैट दिस रूम वॉज earlier a part of a larger unit and the adjoining room was the one which had the balcony. और फिर कैसे समझाते हैं कि ये पूरा ना बड़ा सा कमरा था एक, मेरे वाले कमरे नहीं जो बराबर वाला कमरा है वहाँ से बैल्कनी, इतनी सारी उसे डिटेल्स देते हैं. ही सेड दैट इट एक्सटेंडेड अंडर हिज विंडो. और क्या कहते हैं कि मेरी विंडो के अंडर ये बैल्कनी आ रही है, दूसरे वाले कमरे से लेके मेरे विंडो तक. ठीक है, हिज मैनर ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड स्पीकिंग कन्विंस्ड मैक्स दैट देयर वॉज इन डीड अ बैल्कनी अंडर हिज विंडो. और जैसे उन्होंने समझाया बिल्कुल ऐसे पिक्चर बन गई होगी मैक्स की आंखों के आगे, ठीक है भाई बैल्कनी है, छुप जाता हूँ यहाँ पे और नीचे गिर के कूद के मर गया होगा, पता नहीं है क्या हुआ, वो तो हमें पता नहीं है. मैक्स के साथ आवाज़ आती है चिल्लाने की हमारे को, तो ये आप देख सकते हो कैसे उन्होंने बिलीव करा है मैक्स को कि बाहर कमरे के एक बैल्कनी है. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. लुकिंग बैक एट द स्टोरी व्हेन डू यू थिंक ऑसिबल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स. तुम्हें क्या लगता है कब ऑसिबल जी ने ये प्लान बनाया होगा कि मैक्स से पीछे छुड़ाया जाए वाला, कैसे बनाया जाएगा? डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग. क्या शुरू से ही उन्होंने प्लान बना लिया होगा जब उन्होंने मैक्स को गन पॉइंट पे देखा था? और डिड ही मेक अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इवेंट्स एज दे हैपेंड, या फिर जैसे जैसे इवेंट्स होते रहे वैसे वैसे उन्होंने जो है उसका फायदा उठा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट. ओके गाइस, सो विद दिस ये आंसर कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक अबाउट इट पेज नंबर 18 से. इन दिस स्टोरी ऑसिबल शो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड और द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्ट कामली एंड वाइजली इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज. गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस या नरेटर स्टोरी. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो
ये स्टोरी हमने ना क्लास 9th के एक चैप्टर से यहाँ पे एग्जांपल दिया. 9th में एक चैप्टर था इफ आई वर यू, जहाँ पे एक आदमी था जो एक प्ले राइटर था, उसके रूम में एक चोर आ जाता है. याद है अगर आपको? नहीं याद तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता है वो उसको जो है ट्रिक करके वहाँ से अपनी जान बचा लेता है. इफ आई वर यू मैंने पढ़ा भी रखा है, कभी पढ़ना हो तुम्हें तो उसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं. दिस स्टोरी, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया. इन्होंने बोला ना कि आपने कभी कोई ऐसी स्टोरी पढ़ी है तो बता दो अपना कोई एक्सपीरियंस, तो पता नहीं किसी का हो गया नहीं, तो हम एक स्टोरी बता देते हैं इसमें. दिस स्टोरी रेफर्स टू द प्ले इफ आई वर यू. ठीक है, जेराड था वहाँ पे एक प्ले राइटर था, उसमें एक वो जेराड जेराड नाम का प्ले राइटर था, उसके रूम में एक क्रिमिनल आ गया था और वो उससे अपनी जान बचा लेता है. तो वो आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि अभी एनसीईआरटी का ही क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर है ये. तो चलो देखते हैं. जेराड वॉज हेल्ड हॉस्टेज बाय अ क्रिमिनल. हाउ एवर जेराड ट्रीटेड द क्रिमिनल एज अ गेस्ट एंड ट्रैप्ड हिम विद हिज कॉन्फिडेंस. ही मैनेज टू कन्विंस द क्रिमिनल टू रन अवे एज द पुलिस इज बिहाइंड हिम. ही टोल्ड द क्रिमिनल टू रन थ्रू द एग्जिट डोर विच वॉज एक्चुअली अ कवर्ड डोर. द क्रिमिनल एक्साइटेड थ्रू द डोर एंड एग्जिटेड थ्रू द डोर एंड वॉज ट्रैप्ड इन द कवर्ड. तो थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ क्या होता है चैप्टर में. एक इंसान था जिसका नाम था जेराड, वो एक प्ले राइटर था. ठीक है, तो उसके घर में एक चोर आ जाता है, तो वो उस चोर को कहता है कि अरे मैं भी भाग रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी चोरियाँ करी हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट समरी. तो वो चोर को क्या कहता है, पुलिस मेरे पीछे भी आ रही है, मैं भी भाग रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ भागो, वो जो वाला दरवाजा है हम वहाँ से भाग जाएंगे. तो जो चोर है वो सडनली वहाँ से भाग रहा होता है, तो एक्चुअली में वो कोई बाहर जाने का दरवाजा नहीं होता, वो एक कबर्ड होता है. जेराड उसको कबर्ड में लॉक कर देता है और स्टोरी खत्म हो जाती है. तो ऐसी तरीके से एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड जेराड ने भी दिखाया था. तो आप ये मेंशन डेफिनेटली कर सकते हो, जैसे ऑसबल जी ने सडनली एक स्टोरी बना दी कि वहाँ पीछे एक बालकनी है, तुम कूद जाओ आगे. ठीक है, तो चलो ये आप मेंशन कर सकते हो. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कस व्हाट वुड यू डू इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बिलो. रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कम्स आउट एट अ स्टेट ऑफ मेंटल प्रिपेयरनेस. इफ यू हैव थॉट अबाउट पॉसिबल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स एंड अबाउट हाउ टू एक्ट इन द सिचुएशन, यू हैव अ बेटर चांस ऑफ डीलिंग. तो ये कहने ऐसी कुछ बातें सोच लो, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए. कि अगर स्मॉल फायर लग जाए किचन में, अगर अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू चोक ऑन अ पीस ऑफ फूड, या फिर गले में खाना फंस जाए किसी बच्चे के, एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टार्ट टू हिस एंड गिव्स आउट स्पार्क, अगर कोई वो चलते चलते इलेक्ट्रिक अप्लायंस में स्पार्क हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, अ बाइसाइकिल नॉक्स डाउन ऑन अ पेडेस्ट्रियन, ठीक है, गिर जाओ बाइसाइकिल से, इट रेन्स कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से भी ज़्यादा बारिश हो, अ मेंबर ऑफ योर फैमिली डज नॉट रिटर्न होम एट द यूजुअल एक्सेप्टेड टाइम, घर पे कोई समय से नहीं आए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं. तो आप ये देख लो, आप मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे बता दिए हैं जो जो कर सकते हैं हम लोग. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, बट अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर चेक करने हैं तो यहाँ पे मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया, यू कैन सी इट, रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा. विद दिस इस चैप्टर के भी गाइस सारे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे. बाकी चैप्टर्स के देखने, चैप्टर पढ़ने, इंग्लिश के एसएसटी के प्लेस गिवन है, पढ़ते रहो. कोई क्वेरीज है तो पूछ लो. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, जहाँ से ये सभी नोट्स आप चेक कर सकते हो. तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.